वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद जनता की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जहां एक बार फिर कोरोना ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है, जहां लोग कोरोना का प्रकोप झेल रहे हैं और शहर में पहले ही रविवार और नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, अब ऐसे में नगर निगम भी इंदौर की जनता को टैक्स के बोझ तले दबाने में लगा हुआ है। इंदौर नगर निगम द्वारा कई तरह के करों में 2 गुना बढ़ोतरी की गई, जिसका विरोध इंदौर में लगातार जारी है। जहां भाजपा के कई नेता इस विरोध में खड़े नजर आए, वहीं कांग्रेस भी जन जागरण यात्रा निकालकर नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए टैक्सों के विरोध में शव यात्रा तक निकाली। इंदौर के वार्ड क्रमांक 44 जगजीवन रामनगर से पाटनीपुरा चौराहा से निकलकर मालवा मिल चौराहे तक यात्रा निकाली गई। इंदौर से ब्यूरो राकेश सचर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। और क्या उद्देश्य है शव यात्रा निकालने का? अभी कोरोना का काल चल रहा है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का वक्तव्य है कि आपदा को अवसर में बदलने का, और आपदा में अगर अवसर बदलने का काम जो इस समय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, और उन्हीं के निर्देश पे आज इंदौर नगर निगम ने जिस प्रकार के टैक्स की जो बढ़ोतरी करी है, जलकर संपत्ति कर और विभिन्न प्रकार के डेने जोने सभी में जो वसूली करने का आदेश इनके द्वारा निकाला गया है, हमने इसके विरोध स्वरूप शिवराज सिंह चौहान और नगर निगम की एक शव यात्रा निकाली है और विरोध प्रदर्शन वार्ड क्रमांक 44 की ओर से और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इस यात्रा को हमारे द्वारा निकाला गया पूरे वार्ड में, और इसका समापन हमने पाटनीपुरा चौराहे पे किया है। क्या नाम है आपका? पिंटू मिश्रा, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। यात्रा निकाली, किस शख्स की ये शव यात्रा है और क्या उद्देश्य था इनकी शव यात्राओं का आपने धूमधाम से निकाला? आज हमारे द्वारा नगर निगम की ये शव यात्रा निकाली गई है, जिसमें हमारे द्वारा बैंड बाजा जिस प्रकार से शव यात्रा में शामिल होता है, बैंड बाजा के साथ में पूरे वार्ड में इस प्रकार की यात्रा नगर निगम के खिलाफ निकाली गई है, क्योंकि जिस प्रकार से इनने कर की बढ़ोतरी करी है और कोरोना काल में गरीब जनता की गाड़ी कमाई के पैसे पे लूट का काम इनने जो किया है, उसके विरोध स्वरूप हमारे द्वारा इस यात्रा का आज संचालन किया गया जाएगा। इस यात्रा के अंदर सैनिटाइजर भी किया जा रहा था, क्या ये कोविड पॉजिटिव यात्रा थी क्या? हाँ, ये पूरी हमारे द्वारा सैनिटाइजर वगैरह का वितरण किया गया, मास्क का वितरण किया गया, और जिस प्रकार से यात्रा में शव यात्रा में 20 लोगों की यात्रा होना चाहिए तो हमने 20 लोगों को ही यात्रा में शामिल किया है और इस यात्रा का उसी प्रकार का संचालन किया है। जी, आपका नाम? पिंटू मिश्रा, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।